आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद। ठीक है, इस कक्षा में हम ये जानेंगे कि अनुवाद क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं, ठीक है, अनुवाद के कितने भेद होते हैं, अच्छे अनुवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है। आई बात समझ में? और अनुवाद का महत्व क्या है या अनुवाद की जरूरत क्या है। ठीक है, तो ये आज की हमारी कक्षा के मूल बिंदु है जिसपे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनुवाद क्या है या अनुवाद कहते किसे हैं? ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका सबसे साधारण अगर आप अर्थ निकालें या इसकी परिभाषा निकालें तो वो निकलेगा कि जब आप इस शब्द को तोड़ेंगे, ठीक है, अनुवाद शब्द को जब आप तोड़ेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से शब्द हैं? अनु और वाद। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है? अनुवाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होता है? पीछे। और वाद का क्या अर्थ होता है? बोलना। ठीक है, इस हिसाब से परिभाषा क्या होगी? पीछे बोलना। क्या होगी परिभाषा? पीछे बोलना। अब पीछे बोलना क्या होता है? पीछे बोलने का मतलब होता है कि किसी एक भाषा में कही गई या लिखी गई जो बात है उसके अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर उसको दूसरी भाषा में कहना या लिखना, उसे हम अनुवाद कहते हैं। आई बात समझ में? अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन है यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस और लेशन। ठीक है, आई बात समझ में? ट्रांस का अर्थ होता है उस पार और लेशन का अर्थ होता है ले जाना, उस पार ले जाना अंग्रेजी भाषा का शब्द है ट्रांसलेशन। तो अब इसको भी आप तोड़ेंगे या इसकी भी आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या होगी या परिभाषा आपकी निकल करके आएगी कि एक भाषा में कही गई बात या लिखी गई बात को उसके अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर दूसरी भाषा में ले जाना, उस पार ले जाना, यानी कि दूसरी भाषा में ले जाना या दूसरी भाषा में कह देना या लिख देना। आगे बात समझ में? उदाहरण देखिए, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे। आप कहते हैं ना कि माय नेम इज प्रशांत। मान लीजिए मैं कहता हूं कि माय नेम इज प्रशांत, मैंने किस भाषा में कहा? अंग्रेजी में। अब इसका अनुवाद आपको करना है हिंदी में, तो हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा? मेरा नाम प्रशांत है। तो मैंने क्या किया, एक भाषा में जो बात कही गई थी उसी बात को दूसरी भाषा में कह दी और उसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। आई बात समझ में? तो अर्थ में परिवर्तन लाए बगैर किसी भी एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में बदल देना, उसे हम साधारण अर्थों में अनुवाद कहते हैं। स्पष्ट है? कोई दिक्कत? अब इस संदर्भ में हमें यह भी जान लेना चाहिए कि विद्वानों की राय में, जो बड़े बड़े विद्वान हुए, विद्वानों की राय में अनुवाद की क्या क्या परिभाषा है या विद्वानों ने अनुवाद की क्या परिभाषाएं दी है। दो से तीन विद्वानों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने जो अनुवाद की परिभाषा दी है वो कहते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में बदलने का प्रयास अनुवाद कहलाता है। ठीक है बच्चों? देशी विद्वान हुए डॉक्टर जॉनसन। क्या नाम था उनका? डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन ने कहा, मूल भाषा के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। अब मूल भाषा के भावों की रक्षा का क्या मतलब है? मूल भाषा का क्या मतलब है? मूल भाषा का मतलब वो है कि जिस भाषा में वह बात कही गई है वह है मूल भाषा। ठीक है, और उसके भावों की रक्षा करते हुए, मूल भाषा के भावों की रक्षा करते हुए, यानी कि जिस भाषा में वह साहित्य लिखा गया है या जो बात कही गई है उसके भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, देखिए अनुवाद में
एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है, मूल भाषा से यह बात आई, अनुवाद करते समय स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्रोत भाषा वह भाषा होती है जिसमें वह सामग्री विद्यमान है, ठीक है, और लक्ष्य भाषा वह भाषा होती है जिसमें उसका अनुवाद किया जाना है। मान लीजिए कि एक वाक्य आप बोले, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं संस्कृत में एक वाक्य है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है, इसका अनुवाद आपको करना है हिंदी में, तो क्या अनुवाद होगा, तुम्हारा नाम क्या है। इसी का अनुवाद अगर अंग्रेजी में करना है तो क्या वाक्य क्या बनेगा, व्हाट इज योर नेम या व्हाट्स योर नेम। तो आपने किस भाषा में अनुवाद किया, हिंदी में किया और फिर अंग्रेजी में किया, ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों क्या हो गए, लक्ष्य भाषा हो गए। और पहले से यह बात किस भाषा में थी, संस्कृत में, तो संस्कृत क्या हुई, स्रोत भाषा। अब देखिए अगर मैं यही कहूं कि तुम्हारा नाम क्या है, इसका अनुवाद संस्कृत में करना है, तो स्रोत भाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई, और संस्कृत क्या हो जाएगी, लक्ष्य भाषा। स्पष्ट है, तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा बदल सकती है ना, जिसमें वह रचना सामग्री है वह हुई स्रोत भाषा, और जिसमें उसका अनुवाद किया जाना है वह क्या होगी, लक्ष्य भाषा। आई बात समझ में। न्यूमार्क ने अनुवाद की परिभाषा दी, बड़े विद्वान हुए, और उन्होंने कहा कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में लिखित संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा में उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर बात वही आ रही है जो बारे में हमने शुरू में बात की है कि मूल भावों की रक्षा करते हुए, ठीक है, उस भाषा जिस भाषा में वह बात कही गई है उसके मूल भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया, क्या क्या सीख लिया, अनुवाद क्या है, ठीक है, विद्वानों की राय में अनुवाद की परिभाषा क्या है, और स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। अब हम जानेंगे अनुवाद के प्रकार, ठीक है, और अनुवाद के प्रकार जानने के बाद हम जानेंगे अनुवाद की विशेषता। अनुवाद के दो प्रकार होते हैं, पहला शब्दानुवाद, दूसरा भावानुवाद, ठीक है। शब्दानुवाद हम अनुवाद की उस श्रेणी या उस कोटि को कहते हैं जिसमें शब्दशः अनुवाद किया जाता है, वर्ड बाय वर्ड अनुवाद किया जाता है, ठीक है, कि शब्दानुवाद में मूल रचना के प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूं आपको, राम आम खाता है, ठीक है, आई बात समझ में। इसका अगर अंग्रेजी में आप अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, राम इट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहां शब्दशः एक एक शब्द का अनुवाद हो रहा है। दूसरा होता है भावानुवाद, ठीक है, भाव का मतलब क्या होता है, इमोशन, भावनाएं। भावानुवाद में शब्द इत्यादि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, भावानुवाद में मूल ध्यान इस बात पर होता है कि जो अनुवाद की मूल भावना है ना, जो इमोशंस हैं, उसका ठीक ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन या ठीक ढंग से अनुवाद दूसरी भाषा में आ जाना चाहिए। यह जो भावानुवाद होता है यह बहुत ही कलात्मक अनुवाद होता है, इसमें अनुवादक की गुण, अनुवादक के गुण, उसकी कला, उसकी श्रेष्ठता की परख भी हो जाती है। जैसे कि एक गीत हम लोग गाते हैं, है ना, बहुत बचपन से ही वो गीत हम लोग गाते आ रहे हैं, हिंदी में गाते हैं ना उसको, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, गाते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इस गीत को जब हम अंग्रेजी में गाते हैं तो भी वही भाव आता है, आई बात समझ में ना, वही इमोशन आता है, वही सेंस आता है कि हम कामयाब होंगे, ठीक है। क्या हम गाते हैं, गाइए, विशैलो भरकम, विशैलो भरकम, विशैलो भरकम संदे, ओ डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव दैट विशैलो भरकम संदे,
भाव का क्या हो गया? अनुवाद हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई बात समझ में? तो भावानुवाद में इमोशन महत्वपूर्ण होता है, वो भाव महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। इसलिए भावानुवाद अधिक कठिन होता है और भावानुवाद में अनुवादक को अनुवादक की श्रेष्ठता का पता चलता है, उसकी कलात्मकता का पता चलता है, उसकी सृजनात्मकता का पता चलता है। आई बात समझ में? शब्दानुवाद और भावानुवाद समझ गए? अब हम सीखेंगे अनुवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। हमारा जो अगला बिंदु है इसमें हम ये समझेंगे कि अनुवाद की विशेषता या गुण, कौन सा अनुवाद ज्यादा अच्छा होगा या कौन सा अनुवाद ज्यादा विशेष होगा या किस अनुवाद को हम समझेंगे कि वह श्रेष्ठ अनुवाद है, उसमें कौन कौन से बिंदु होने चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में अनुवाद एक विज्ञान की बड़ी शाखा के रूप में उभर चुका है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में जैसे विज्ञान, तकनीक, साहित्य, ये सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे प्रगति कर रही हैं, वैसे वैसे अनुवाद की आवश्यकता भी बढ़ रही है। जाहिर सी बात है, जर्मन में कोई साहित्य लिखा जा रहा है, फ्रेंच में कोई साहित्य लिखा जा रहा है, तो उसको जब तक उसका अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी में नहीं होगा तब तक हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। हिंदी साहित्य में क्या लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इसको जानने और समझने के लिए इसका अनुवाद जब तक जर्मन में नहीं होगा तब तक सिर्फ जर्मन समझने और बोलने वाले लोग जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो अनुवाद क्या करता है? जोड़ता है एक दूसरे की भाषा से, एक दूसरे के साहित्य से, एक दूसरे के संस्कारों से, एक दूसरे के रहन सहन से, एक दूसरे की जीवन शैली से, विज्ञान की, विज्ञान से, तकनीक से, तमाम तरह की जो खोजें हो रही हैं उन सब में अनुवाद का महत्व क्या है? बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अनुवाद की विशेषता क्या है, कैसा अनुवाद अच्छा माना जाएगा, कैसा अनुवाद सबको समझ में आ जाने वाला होगा, ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन सा अनुवाद अच्छा होगा, अनुवाद की विशेषता क्या होनी चाहिए, उसी पे हम बिंदु पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु जो है अनुवाद की विशेषता में, वह बिंदु है सहजता या सरलता। अनुवाद सहज और सरल होना चाहिए ताकि बहुत आसानी से पढ़ने वाले को या सुनने वाले को समझ में आ सके। अगर अनुवाद कठिन होगा तो पढ़ने वाले की रुचि ही खत्म हो जाएगी। पहले वाला पढ़ने वाला तो पहले ही भाग जाएगा कि अरे भाई क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर वह सरल हुआ, सहज हुआ, रुचिकर हुआ, तो पढ़ने वाले को लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि वो कोई अनुवाद नहीं पढ़ रहा है, मूल रचना पढ़ रहा है। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा लग रहा है कि सीधे वही पढ़ रहा है जो लिखा गया, पता ही नहीं चलेगा कि ये अनुवाद पढ़ रहा है। इसलिए अनुवाद की जो पहली विशेषता होती है वह होती है सहजता या सरलता, ठीक है, ठीक है। अनुवाद की दूसरी विशेषता है निकटता, यानी कि जो बातें मूल रचना में कही गई है, मूल रचना वाली, मूल रचना से समझ रहे ना, जब मैं मूल रचना कह रहा हूं, जब भी मैं मूल रचना कहूं तो स्रोत भाषा समझिएगा, क्या समझिएगा? स्रोत भाषा, ठीक है। और जिसमें अनुवाद किया जाना है उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य भाषा। तो निकटता से तात्पर्य यह है कि मूल रचना में जो लिखित सामग्री है या जो कही गई बात है उसके अर्थ, उसके भाव दूसरी भाषा में जिसमें कि अनुवाद किया जाना है या किया जा चुका है, दोनों में परस्पर नजदीकी हो, निकटता हो। अब ये नहीं कि एक भाषा में कहा गया कि राजा बहुत बहादुर था और दूसरी भाषा में उसका अनुवाद हो गया कि राजा बहुत डरपोक था, तो बात खत्म हो गई ना। निकटता रही, बिल्कुल अर्थ का अनर्थ हो गया, अंतर हो गया। तो निकट यानी कि करीब हो अर्थ, ठीक है, क्योंकि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हूबहू एकदम से उसका स्थानांतरण हो जाए, लेकिन फिर भी जितना अधिक निकट होगा अनुवाद उतना ही अच्छा माना जाए, ठीक है बच्चों। तीसरा बिंदु है समतुल्यता, ठीक है। समतुल्यता का मतलब ही है अनुवाद के निकट जाना। जो बात आप निकटता में समझ रहे थे उसी का थोड़ा सा विस्तार है। एक भाषा में कही गई या लिखी गई जो बात है दूसरी भाषा में लिखी, जब वह बात कही जाए या लिखी जाए, तो दोनों के अर्थ समतुल्य हों, बराबर के भाव रखते हैं, ठीक है ना। समतुल्यता की बात करते हैं तो समतुल्यता से हमारा तात्पर्य यह होता है कि एक भाषा में जो बात कही गई है जब उसका अनुवाद दूसरी भाषा में हो तो दोनों के अर्थ, भाव आदि समतुल्य हो, यानी कि बराबर, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि किसी एक भाषा में भाव कम है, प्रेम का भाव कम है, और उसका अनुवाद जब दूसरी भाषा में हुआ तो प्रेम के ही प्रेम के भाव है, उड़ेल दिए गए, ओवरफ्लो हो गया,
आई बात समझ में? एक भाषा में संतुलन है भाव का और दूसरी भाषा में भाव का संतुलन नहीं है, तो वो समतुल्य नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अनुवाद की चौथी बड़ी विशेषता है स्पष्टता। अनुवाद स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा और बिल्कुल स्पष्ट, यानी कि अर्थ के हिसाब से, भाव के हिसाब से, निकटता के हिसाब से, समतुल्यता के हिसाब से जो कुछ भी अनुदित हुआ है एक भाषा से दूसरी भाषा में, उस अनुवाद सीधा और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि वो बात सीधे सीधे पता चलनी चाहिए। अगर ये गुण है तो वह भी एक अच्छा अनुवाद माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद अनुवाद की सबसे पांचवी और अंतिम विशेषता है बोधगम्यता। बोधगम्यता का मतलब होता है आसानी से समझ में आ जाने वाला, और कोई भी अनुवाद आसानी से समझ में तभी आएगा जब वह सरल होगा, जब वह सहज होगा, जब वह निकट होगा, जब वह स्पष्ट होगा, जब वह समतुल्य होगा। आई बात समझ में? तो सभी गुणों को एक साथ मिला दीजिए तो अंतिम गुण जो मिलता है वह गुण क्या होता है? बोधगम्यता, यानी कि आसानी से समझ में आ जाने वाला। अगर अनुवाद आसानी से समझ में नहीं आए तो पाठक या श्रोता एक ऊब महसूस करता है, एक थकान महसूस करता है, अनुवाद अनुदित कृति की रचना पढ़ने में उसे आनंद नहीं आता। और अगर अनुवाद बहुत सुंदर हो, बहुत मजेदार हो, तो पढ़ने वाले को पता ही नहीं चलता है कि यह अनुदित रचना है, वह मूल रचना जैसा स्वाद ही अनुवाद में भी प्राप्त करता है। तो ये रही अनुवाद की विशेषताएं। ठीक है। Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए। Yes, sir. क्या क्या सीख लिया आज आप लोगों ने? अनुवाद किसे कहते हैं? अनुवाद, अनुवाद के प्रकार, स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, अनुवाद की विशेषता या अनुवाद के गुण क्या है। ठीक है। इतना काफी है आज के लिए? इतना ही? खुश है कि नहीं आप लोग? बहुत ज्यादा? थोड़े से? आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे क्यों हैं? पूछिए क्यों? मैं कहूँगा और पढ़े, आप कहेंगे यस सर। मैं कहूँगा हो गया, आप कहेंगे यस सर। है ना? मैं कहूँगा समझ में आ गया, आप कहेंगे यस। के अलावा आप कुछ कहना जानते ही नहीं। ठीक है। तो यस के अलावा भी, यस से थोड़ा आगे भी बढ़िए, कभी नो भी कहा करिए, अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है ना? Yes, क्या? Yes, क्या? Yes, क्या? Yes, क्या? Yes,